हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। 11 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की हमारी पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहली जो न्यूज़ आई है यहाँ पे वो आई है नेशनल जीनोमिक ग्रिड को लेके। तो क्या है नेशनल जीनोमिक ग्रिड, इसके बारे में हम जानते हैं। देखो, कंटेक्स्ट ही आया है, या आप बोल सकते हो कि डिस्कशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने नेशनल जीनोमिक ग्रिड यानी कि राष्ट्रीय जीनोम ग्रिड है उसकी स्थापना की है कैंसर रिसर्च में फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ये हुआ है यहाँ पे कंटेक्स्ट या हमारी न्यूज़। अब हम चलते हैं आगे। देखो, इससे पहले हम दो तीन चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, फिर हमें कंटेक्स्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR। देखो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ये आज़ादी से पहले का इंस्टीट्यूट है जो कि बनाया गया था 1911 से। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई ICMR है वो आज़ादी से पहले यानी 1911 से काम कर रहा है, जिसका हिंदी में नाम है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। यह एक अपेक्स बॉडी है जो कि इंडिया में जो मेडिकल रिसर्च बॉडीज होती हैं इनको रेगुलेट करती है और वहाँ उनको ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रमोट करती है। इसी के साथ ही बायोमेडिकल रिसर्च है इसको भी, इसको प्रमोट करने का काम है वो दिया गया है। अब ये जो ICMR संस्था है ये क्या करती है, इसको फंड है वो प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम आपको पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च, और उसके द्वारा इसको फंडिंग है वो दी जाती है। अब कई बार देखो UPSC स्टेटमेंट ही दे देती है कि ICMR को जो फंडिंग है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा दी जाती है या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दी जाती है। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ICMR है इसको जो भी फंडिंग है वो दी जाती है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से। तो ये आपको फिर ध्यान में रखना है। ये हुआ ICMR के बारे में, यानी हमारे देश में मेडिकल एरिया में रिसर्च करनी है, प्रमोशन करना है, किस तरीके की नई रिसर्च लेके आनी है, इस पर फोकस करने का काम है वो ICMR के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं नेशनल कैंसर टिश्यू बायोबैंक NCTB के बारे में। देखो, नेशनल कैंसर टिश्यू बायोबैंक नाम से ही पता चल रहा है कि जो टिश्यू है उनका बायोबैंक बनाया गया है कैंसर टिश्यूज का मेनली। ये है कहाँ पे, एक तो वो इम्पोर्टेंट है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वो हमें देखते हैं। नेशनल कैंसर टिश्यू बायोबैंक है ये बेसिकली स्टेट ऑफ द आर्ट नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी बेस्ड एक टिश्यू बैंक है। हम ये कह सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट संस्था है जो कि वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है और स्टेट बेस्ड है यानी कि इसको स्टेट है वो रेगुलेट है वो कर रहा है यहाँ पे, और काम क्या है, समुदाय के द्वारा ये काम है वो करती है यानी कि समुदाय या कम्युनिटी लोगों के द्वारा ये जो टिश्यू बैंक है वो काम करता है। होता क्या है इस संस्था में और किसने इसको बनाया है वो हम देखते हैं। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो, और इसी के साथ ही IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है वो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन तीनों ने मिलके नेशनल कैंसर टिश्यू बैंक की स्थापना है वो की हुई है। अब ये क्या करता है टिश्यू बैंक, ये जो भी कैंसर का पेशेंट है उसके टिश्यूज को कलेक्ट करती है और उस पर स्टडी या रिसर्च है वो की जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कैंसर का अभी तक ट्रीटमेंट संभव नहीं हो पाया है तो उसकी और अच्छा ट्रीटमेंट एक आप बोल सकते हो कि क्लियर टीका या वैक्सीनेशन को उधर फोकस किया जा रहा है कि भाई ऐसा ट्रीटमेंट हो जो सब लोगों के लिए इजीली भी हो, क्योंकि अभी कुछ हद तक ही कैंसर पे उपचार है वो पॉसिबल है। कई बार ऐसा नहीं होता है कि भाई 100% उपचार अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए टिश्यूज की स्टडी करता है, क्योंकि आपको पता है कि कैंसर में क्या होता है, शरीर में अनवांटेड जो ग्रोथ है टिश्यूज की वो होने लग जाती है और उसकी वजह से फिर वो एक गांठ का रूप ले लेती है और फिर वो कैंसर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसका फायदा ये हो जाएगा कि कैंसर के टिश्यूज के सैंपल यहाँ पे स्टडी किए जाएंगे तो क्या होगा कि अलग अलग तरह की एक वेरिएशन, एक फॉर्मेशन की जाएगी जिससे कैंसर का डायग्नोस है उसमें काफी इजी हेल्प है वो मिलने वाली है। बाकी जैसे मैंने काम वो बता दिया कि हमारे देश में हाई क्वालिटी ऑफ कैंसर रिसर्च है, इसी के साथ ही जो कैंसर ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट है उसको लाने के लिए ये संस्था है वो काम करती है। ये ध्यान रखना है IIT मद्रास है उसके साथ मिलके काम है वो करती है, IIT मद्रास के तहत, मद्रास ने बेसिकली इसको है वो बनाए हैं। तो ये दो चीज़ हमने कवर की। अब हम देखते हैं हमारा जो मेन न्यूज़ थी वो न्यूज़ क्या थी कि अभी गवर्नमेंट ने नेशनल जीनोमिक ग्रिड है वो बनाया है। देखो, बात ऐसी है कि जो नेशनल जीनोमिक ग्रिड है या राष्ट्रीय जीनोम ग्रिड है वो बेसिकली जो नेशनल कैंसर टिश्यू बायोबैंक है उसके साथ काम करेगा IIT मद्रास में, क्योंकि हमने इससे पहले डिस्कस किया था
कि आईआईटी मद्रास है उसी ने एनसीटीबी यानी कि नेशनल जो कैंसर टिश्यू बैंक था उसको बनाया था, और जो नेशनल कैंसर टिश्यू बैंक है उसके साथ ये काम है, वो संस्था करने वाली है जो भी नई बनाई है, जिसका नाम है नेशनल जीनोमिक ग्रिड या नेशनल राष्ट्रीय जीनोम ग्रिड। तो ये यहाँ पे न्यूज़ आपका हो अब आपको क्लियर हो गई होगी। इस संस्था का काम क्या होगा, ये लोगों के जीनोम है उनको कलेक्ट करेगी, अलग अलग कैंसर पेशेंट के सैंपल हैं उनकी स्टडी जीनोम बेसिस पे की जाएगी, ताकि पता चले कि भाई कौन से जीन्स की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, ताकि एक प्रोसेस काफी सिंपल हो जाए और जो भी हमारे देश में कैंसर की प्रॉब्लम है इसका एक उचित सोल्यूशन हो सके। ये एक अपने आप में ऐसा एक पहला इनिशिएटिव है जो कि कैंसर से निपटने के लिए इस लेवल पे किया जा रहा है। नेशनल कैंसर टिश्यू बैंक है वो, और इसी के साथ ही आईसीएमआर है, वो दोनों मिलके काम करती हैं, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया था कि आईसीएमआर है वो हमारे देश में मेडिकल रिसर्च वगैरह को प्रमोट करती है, रेगुलेट करती है वगैरह काम करती है। अब भाई साहब अगर कैंसर के टिश्यूज की स्टडी वगैरह करनी है तो वो ऑब्वियसली हेल्प करेगी, इसका मतलब ये सारी आपस में कोलाबरेट करके काम है वो यहाँ पे कर रही है। देखो जो नेशनल कैंसर टिश्यू बायोबैंक जो कि मद्रास आईआईटी के द्वारा बनाया गया है उसमें लगभग 50,000 जीनोमिक सैंपल हैं वो कलेक्ट किए जा सकते हैं। अभी तक खैर उसमें 3,000 पेशेंटों के सैंपल को इकट्ठा किया गया है स्टडी के लिए। तो ये सारी न्यूज़ थी, आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक आर्टिकल है वह है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसे हम नॉर्मली हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। देखो ये न्यूज़ वैसे 2-3 दिन से आ रही है अलग अलग न्यूज़पेपर वगैरह में, मीडिया वगैरह में, बट हम इसको आज का वो कवर कर रहे हैं। पहली बात तो ये भाई डिस्कशन के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो अभी तक हम पहले बुक्स में क्या पढ़ते आ रहे हैं कि आर्यंस बाहर से आए या आर्यंस इंडिया से थे, इसको लेके काफ़ी डिबेट रही है। इवन जो अलग अलग हिस्टोरियन या फिर जो इतिहासकार हैं सबके अलग अलग मत रहे हैं, कोई कहता है बाहर से हैं, कोई कहता है नहीं सब सैंधव वाले रीजन से हैं, कोई कहता है कि नहीं जो स्टेपी ग्रासलैंड वाले एरिया थे वहाँ से है, कोई कह रहा है यूरोप में इस वाले हिस्से से हैं, कोई कह रहा है कि अफ्रीकन वाले, मतलब अलग अलग एरियो से आने की बात है वो की जाती है, दावे किए जाते हैं। तो अभी देखो उन सारी थ्योरीज को एक तरह से दरकिनार करते हुए एक नई रिसर्च एक स्टडी सामने आई है जिसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं उसी के कंटेक्स्ट में। देखो हरियाणा में एक जगह है जो कि सिविल या बोल सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्थल है जिसका नाम है राखी गढ़ी। देखो इनकी आपको लोकेशन ध्यान होनी चाहिए कि राखी गढ़ी की लोकेशन है कहाँ पे, ये कहाँ पे है हरियाणा में है। तो ये आप एक ध्यान में रखना कि राखी गढ़ी जो स्थल है जो कि पुरातत्व एक स्थल है मेनली इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो हरियाणा में है। यहाँ पे एक स्केलेटन यानी कि हम बात करें कंकाल तंत्र मिला था, उसकी भी डीएनए स्टडी की गई जो कि बेसिकली कौन से टाइम का था, सिंधु घाटी सभ्यता वाले टाइम पीरियड का। तो उस डीएनए की स्टडी और इसी के साथ ही जो बाहर के थे जो ईरान के लोग थे उस टाइम के, जिन्हें हम कहते हैं कि भाई वो आर्यंस थे वो वहां से आए थे, तो उनके जीन्स की स्टडी देख के पता गया है कि भाई जो भारत में भी राखी घड़ी में जो इंसान था जिसका मतलब यहाँ पे कंकाल तंत्र की स्टडी की गई है डीएनए की, उस डीएनए और जो वहाँ पे बाकी बाहर की कंट्रीज में मतलब इंडिया के बाहरी कंट्रीज के डीएनए है उनमें कोई भी मैच नहीं खा रहा है। तो ये इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई इंडिया के लोग अलग थे और वहाँ के लोग अलग थे, एक तो ये स्टडी यहाँ पे सामने है वो आई है। अब देखो आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी नॉर्मली जाना जाता है, क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है वो इंडस रिवर के किनारे बनी हुई थी और इसके दो जो इंपॉर्टेंट स्थल थे जिसमें एक का नाम जो था हड़प्पा और एक का नाम था मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में सबसे पहले हड़प्पा डिस्कवर किया गया था, और हड़प्पा है वो काफी बड़ा है, मतलब ये आप बोल सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो अलग अलग जगह पाई गई है, एक हड़प्पा है एक मोहनजोदड़ो है बाकी और भी ऐसे लोथल है कालीबंगा इस तरीके से, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ है वो है हड़प्पा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इसी की स्टडी करते हैं, तो इसीलिए इसको हड़प्पन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो ये स्थल थे इनकी जो डिस्कवरी थी वो की गई थी 1920 में। उस टाइम पे आप ये बताइए कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कौन हेड थे, किसके द्वारा इनकी डिस्कवरी की गई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा इनकी मतलब खोज है वो की गई थी, तो ये सिटी का पता होना चाहिए। अब देखो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता है वो पुराने टाइम की और भी जो अड़ोस पड़ोस के देशों की या आप बोल सकते हो कि बाहरी कंट्रीज की जो सिविलाइजेशन थी उनके समकालीन आप बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि उनमें एक अपने आप में लार्जेस्ट एक अपना एक अलग स्थान था। जैसे कि इजिप्ट में उस टाइम पे सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने सुना होगा नाम, इसी के साथ ही इंडिया में सभ्यता है और चाइना के अंदर भी और सिविलाइजेशन थी। तो इन सब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता।
इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम क्या था? उसका टाइम पीरियड था बेसिकली 2500 BCE, यानी कि 2500 ईसा पूर्व की बात है। और ये कौन से एरिया में है? ये बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया, वेस्टर्न इंडिया वाले हिस्से में। यह आपको फैक्ट ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया में है। आप ये बताइए कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हैं वो कौन से में आते हैं, पाकिस्तान में आते हैं या इंडिया में आते हैं? ये आप बताइए कि पाकिस्तान और इनमें से। और आप ये बताइए कि हड़प्पा में जो पाकिस्तान सॉरी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, इसमें नॉर्थ में कौन सा आता है और साउथ में कौन सा है? देखो कई बार यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन से वो पूछ लेती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम देखते हैं आगे जो और फैक्ट है उनकी तरफ। तो जैसा देखो मैंने आपको बताया कि पहले इस चीज को लेकर डिबेट था कि भाई जो आर्यंस थे वो स्टेपी वहां के पशुपालक थे, मतलब स्टेपी कहाँ के घास के मैदान है, यूरोप वाले हैं तो वहां से आए हैं। कोई कहता है कि नहीं भाई प्राचीन जो ईरान के लोग थे, ईरानियन फार्मर्स थे, वहां से आए थे। अब वो सारी थ्योरी दरकिनार हो गई है, क्योंकि अब स्टडी से पता चल गया है कि भाई जो बाहर के आर्यन आप बोल सकते हो, बाहर के लोग और इंडिया के अंदर जो भी स्केल्टन की डीएनए टेस्ट किया गया है, उन दोनों के कोई भी डीएनए में मैच नहीं खा रहा। इसका मतलब दोनों का कोई लेना देना नहीं है। जबकि इंडिया में एक थ्योरी ये चीज क्लियर हो जाती है कि भाई पहले स्टार्टिंग में जो समुदाय थे या जो कम्युनिटी थी वो बेसिकली हंटर गैदरिंग वाली थी, यानी कि शिकारी और संग्राहक समुदाय की प्रकृति के थे। बाद में धीरे धीरे लोग स्थायी रहने लग गए और एग्रीकल्चर पे फोकस करने लग गए थे, और यही एक हड़प्पन सभ्यता की स्टेप थी। तो ये यहाँ पे कुछ फैक्ट है वो पता चले हैं डीएनए से, तो ये चीज क्लियर हो गई है। अब आपके दिमाग में आओगे भाई डीएनए से यही कैसे पता चला कि पहले वो शिकारी थे और इसके बाद में वो मतलब धीरे धीरे एग्रीकल्चर पे और फिक्स खेती करने लगे और एक ही जगह पर रहने लगे। इसका पता देखो ऐसे चला कि जो ये पुराना, सबसे पुराना जो डीएनए भी डिस्कवर किया गया था राखीगढ़ी में, इसके डीएनए से इंडिया में जो और भी अलग स्थल है वहां पे डीएनए मिले ना, उनको कंपेयर किया तो साफ साफ पता चला कि भाई जो ये राखीगढ़ी में डीएनए पाया गया है ये बहुत पुराना है, और इसके बाद का जो और नया डीएनए है मॉडर्न वाले, जो कि बेसिकली कृषि कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो नए हैं। तो ये चीज समझ में आ गई कि पुराने टाइम पे तो भाई सीधी सी बात ही है कि वहां पे क्या होता था, शिकार वगैरह किया जाता था और बाद में एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है। तो ये सारी थ्योरी अभी न्यूज में आई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है, इंडिया आयोडीन सर्वे 2018-19 रिपोर्ट। देखो ये सर्वे कंडक्ट किया गया है न्यूट्रिशन इंटरनेशनल और इसी के साथ ही एम्स जो इंडिया का इंस्टीट्यूट है, और इसी के साथ ही इंडियन कोएलिशन फॉर द कंट्रोल ऑफ आयोडीन डिफिशेंसी डिसऑर्डर्स। ये तो आप एक बार देख लेना कि नाम भाई किसके द्वारा जारी किया गया है। इसमें देखो घरों में जितना लोग नमक यूज करते हैं उस कुकिंग मेथड के बेसिस पे कवरेज पे सर्वे किया गया है, और उसके आधार पे देखा है कि भाई इंडिया में कितने लोग आयोडीन वगैरह यूज कर रहे हैं। पहले तो हम देखते हैं कि आयोडीन के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। देखो अगर आयोडीन आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में जनरेट नहीं होता है, ये एक मिनरल है जो कि हमें बाहर से लेना होता है। इवन दूध मछली अंडे वगैरह में पाया जाता है नॉर्मली, और इसको गवर्नमेंट क्या करती है कि जो नमक होती है, क्योंकि देखो नमक हर जगह कंज्यूम किया जाता है, तो नमक के अंदर मिला के आयोडीन की सप्लाई की जाती है ताकि हर जगह नमक की जो आयोडीन की सप्लाई है वो अवेलेबल हो सके। तो कुछ एरिया में जहां पे आयोडीन नहीं मिलाया जाता है नमक में, उन एरियो में आयोडीन की कमी भी हो सकती है। आयोडीन है वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि बेसिकली मेंटल और फिजिकल दोनों ही हेल्थ और दो शरीर के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी शरीर के शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के जो विकास हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अगर आयोडीन की शरीर में कमी हो जाती है तो इसमें गले के रोग हो जाते हैं, इसी के साथ ही हाइपोथायरायडिज्म हो जाता है, इसी के साथ ही गर्भपात बच्चे हैं वो मतलब सही मेच्योर नहीं हो पाते हैं कई बार, और इसी के साथ ही प्री बर्थ प्रॉब्लम आती है, और इसी के साथ ही मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है। तो ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सामना करना पड़ती हैं। अभी जो सर्वे में क्या है वो देखते हैं। देखो सर्वे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई है कि सबसे ज़्यादा जो नमक का प्रोडक्शन है वो होता है गुजरात में, सेकेंड नंबर पे प्रोडक्शन होता है राजस्थान में नमक का, और तीसरे नंबर पे होता है तमिलनाडु में। और इस फैक्ट में क्या पता चला कि भाई साहब तमिलनाडु में देश का लगभग 11% नमक प्रोड्यूस होता है, उसके बाद भी तमिलनाडु में सबसे कम नमक खाया जाता है इंडिया में। ये देखो आप यहाँ देखिए कि सबसे कम नमक खाया जाता है उसमें आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 61.90 आप बोल सकते हो, सॉरी 62% नमक है वो कंज्यूम किया जाता है, यानी कि 100 में से 62 घरों में ही लोग है वो नमक को कंज्यूम करते हैं आयोडीन युक्त। बात यहाँ पे की जा रही है कि आयोडीन युक्त नमक की। इसके बाद में सबसे कम नमक कंज्यूम किया जाता है आंध्र प्रदेश में, इसके बाद में राजस्थान में और उड़ीसा में और झारखंड में, और सबसे ज्यादा नमक कंज्यूम करने की बात करें कि आयोडीन वाली बात की जा रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना।
सबसे ज्यादा आयोडीन युक्त नमक यूज किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो एक चीज आपको क्लियर आ गई होगी कि मेनली जो ईस्टर्न स्टेट हैं, आप बोल सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले, उनमें नमक आयोडीन युक्त सही मात्रा में खाया जाता है। ये यहाँ पे एक स्टडी सामने आई है और ये डाटा है कि ऑन एंड एवरेज इंडिया में जो घर हैं, हाउस होल्ड्स हैं, वो लगभग 76.3% है कंटेंट है नमक का वो आयोडीन युक्त खाते हैं। मतलब इंडिया में 100 में से 76.3% लोग हैं वो आयोडीन युक्त नमक है वो खाते हैं, यहाँ पे है। और नमक की जो निर्धारित मात्रा है कि कम से कम नमक में आयोडीन कितना होना चाहिए, वो मात्रा है 15 पार्ट्स पर मिलियन। कि भाई 1 मिलियन अगर पार्ट्स है नमक के, तो उसमें से 15 पार्ट कम से कम आयोडीन के होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नमक की जो स्टैंडर्ड मात्रा है आयोडीन में, सॉरी आयोडीन की जो नमक में स्टैंडर्ड मात्रा है वो है 15 ppm। बाकी जो सारे फैक्ट्स वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हरिकेन तूफान के बारे में। देखो हरिकेन आपको पता, जैसे कि इंडिया में हम चक्रवात कहते हैं, उसी तरीके से अभी हमने देखा था कि जापान में क्या कहते हैं, कल हमने डिस्कस किया था टाइफून कहते हैं। और वहीं पे हम बात करें कि जो हमारा अटलांटिक ओशियन है, बेसिकली वेस्ट अटलांटिक ओशियन वाला आप बोल सकते हो कि नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशियन, यानी कि एक तरीके से ये वाला हिस्सा आपको मैप में दिख रहा होगा यहाँ पे, जहाँ पे कैरेबियन आइलैंड वाला हिस्सा हो गया, मायामी बीच वगैरह है यूएस में, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इस वाले हिस्से में जो साइक्लोन्स आते हैं उनको हरिकेन नाम से जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। देखो आपको फैक्ट बता दूं, यहाँ पे साइक्लोन्स को जाना जाता है हरिकेन, उष्ण कटिबंधी की चक्रवात की बात कर रहा हूँ। और जो इंडियन ओशन में आते हैं उनको चक्रवात ही कहते हैं हम साइक्लोन, और जो इधर आते हैं पैसिफिक वाले हिस्से में उनको हम क्या कहते हैं, टाइफून। तो ये आपको सिक्वेंस पता होना चाहिए कि भी कौन से में कहाँ के नामों से जाना जाता है। तो अभी यहाँ पे देखो ये कैरेबियन जो कंट्रीज है ना, छोटी छोटी कंट्रीज है यहाँ पे, यहाँ पे एक कंट्री है बहामास, इसमें जो अभी हरिकेन साइक्लोन आया था ना, इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। वैसे साइक्लोन का नाम रखा गया था इस बार डोरियन, तो इससे भारी नुकसान हुआ। तो इंडिया ने यहाँ पे $1 मिलियन की हेल्प है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट है वो प्रोवाइड करवाई है, इसीलिए न्यूज़ में है। तो एक तो वही बहामास की हमें जगह लोकेशन पता होना चाहिए, यहाँ पे है अटलांटिक ओशन में गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास में, और यहीं पे जो क्यूबा है, क्यूबा क्राइसिस आपने सुना होगा। और यहाँ पे फिर बाकी छोटी छोटी कंट्रीज हैं आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे जो वेस्ट इंडीज है वो यहाँ पे इन छोटी छोटी कंट्रीज को मिला के ग्रुप है, ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये चीज़ है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, काफी तेजी गलती से आया था तो बहुत जान मान का नुकसान हुआ, तो बहामास की लोकेशन ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है आंगन, आंगन की फुल फॉर्म है यहाँ पे एग्यूमेंटिंग नेचर बाई ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। क्या है ये? देखो ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि अभी न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है। किस लिए? एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग सेक्टर। देखो बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी की या एनर्जी की डिमांड है वो कम से कम हो, मतलब कम खर्चे में अच्छा प्रोडक्शन हो। एक प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जैसे घर ऐसा बनना चाहिए कि जिसमें भाई एनी टाइम हमें लाइट जलाने की जरूरत नहीं हो, एनी टाइम हमें कूलर, एसी, फ्रीज, लाइट की जरूरत नहीं हो। घर इस तरीके का बना हो कि दिन में तो सनलाइट से ही काम चल जाए, और रात में अगर हाँ लाइट जलो तो कम लाइट से ही फ्रीज, मतलब घर की डिजाइन ऐसी होनी चाहिए ताकि सनलाइट भी आती रहे और हवा का वेंटिलेशन वगैरह हर चीज़ प्रॉपर मेंटेन रहे, जिससे एनर्जी है उसको कम से कम कंज्यूम किया जाए और हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की गई है। इसमें देखो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर में वो, और इसी के साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक जर्मनी की संस्था है जिसका नाम है GIZ, उन्होंने मिलके आपस में कोलाब्रेशन करके इसको ऑर्गेनाइज किया था। फोकस ये था कि भाई हम इस चीज़ पे फोकस करें कि ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाए फ्यूचर में, अभी आगे आने वाले टाइम पे, जिनमें एनर्जी की डिमांड कम से कम हो। जैसे जैसे मतलब ये कि ऐसा रूम हो, एग्जाम्पल ले लो कि गर्मियों में वो रूम ठंडा रहे, या गर्मियों में वो बिल्डिंग ठंडी रहे और दिन में सनलाइट सीधी आए तो अंदर हमें CFL वगैरह जलाने की जरूरत नहीं होगी, और सर्दियों में ऐसा इस टाइप की स्ट्रक्चर हो उसकी कि भाई जो घाव गर्म हवा है, मतलब गर्म है वो अंदर रहे और बाकी ठंडी हवा है वो अंदर ना आ पाए। तो देखो ये सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करता है कि आप किस मटेरियल से एक भवन को बना रहे हो, कैसे उसमें कौन कौन से जो मटेरियल यूज कर रहे हो, इन सबसे काम है वो मेनली किया जाता है।
जैसा मैंने आपको बताया, कॉमर्शियल और जो रेजिडेंशियल भवन है उनकी डिज़ाइन हुई, किस तरीके से उनका मैन्युफैक्चर करना है, एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में कि कम से कम एनर्जी हो और अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके घर है वो बनाए जा सकें। इससे देखो लगभग नहीं नहीं कहते भी $3,000 बिलियन का हमें फ़ायदा होगा कि एनर्जी की डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हर घर में आप देखो अगर रात दिन लाइट चलेगी, एसी कूलर चलेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा डिमांड होगी, वहीं पर अगर दिन में भी एनर्जी कम कंज्यूम हो तो फ़र्क तो पड़ेगा ही ना। तो इसीलिए कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।